सम्मान के होके हमारे टेलीविजन का अध्यक्ष मंडल और तमाम महकमों के कर्मचारी साथी, मजदूर साथी, किसान साथी और मेरी बहने, सबसे पहले तो 4 महीने से आंगनबाड़ी का जो आंदोलन चल रहा है, बहने हड़ताल पे हैं, उस आंदोलन को हम तमाम ट्रेड यूनियन किसान संगठनों की तरफ से, कर्मचारी संगठनों की तरफ से पूरा समर्थन करते हैं और हरियाणा सरकार से मांग करते हैं कि तुरंत इनकी जायज मांगे जो पहले से ही मानी जा चुकी है उसको लागू करें और बातचीत के जरिए इस हड़ताल की समाप्ति करवाए, हरियाणा सरकार ये मांग करे। साथियों, ये पूरे देश में आज हड़ताल निजीकरण के खिलाफ है, पब्लिक सेक्टर का निजीकरण किया जा रहा है। देश में संपत्ति जो है, रेलवे, बैंक, इंश्योरेंस, बिजली, कोयला और हवाई अड्डे, जितने भी इशारे हैं, देश की जनता के खून पसीने की वजह से जो खड़े किए गए थे, आज गोलियों के भाव बड़े बड़े पूंजीपतियों को ठेके पर दिया जा रहा है, बेचा जा रहा है। पूरे देश की जनता, मेहनत का जनता इसका विरोध करती है 2 दिन की हड़ताल करके। आज साथियों, कच्चे कर्मचारियों को पक्का नहीं किया जाता, उनको न्यूनतम वेतन से वंचित किया जाता है, 6-6 महीने 4-4 महीने उनको तनख्वाह नहीं मिलती। तमाम महकमों के जो सच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाए, पुरानी पेंशन बहाल की जाए। देखिए आप, 10 बार एमएलए बन जाता है उसको 5 लाख 5.5 लाख तक पेंशन मिलती है, एमपी को 2.5-3 लाख रुपए पेंशन मिलती है। जो 40 साल तक नौकरी करते हैं, अपना पूरा जीवन जो जनता के लिए लगाते हैं, उनको पेंशन नहीं है। देखिए, विडम्बना देखिए, हम ये चाहते हैं पुरानी पेंशन बहाल की जाए, सभी को पक्का किया जाए। और जो देखिए आप, महंगाई लगातार बढ़ रही है, अभी आपकी जगहों पर जो सैलरी बहुत कम मिलती है, विशेषकर परियोजना वर्करों को, आंगनबाड़ी को, हमारे कच्चे कर्मचारियों को, मिड डे मील को, आशा वर्कर को, और वो भी अभी 20% का हमला होने वाला है महंगाई का। आप देख रहे हो पेट्रोल डीजल किस तरह से रोजाना बढ़ा रहे हो, गैस बढ़ा दी, और जो 800 आवश्यक दवाइयां हैं जरूरी सेहत के लिए, जिनकी सूचीबद्ध है, और 1 अप्रैल से उनकी 10.76% महंगाई बढ़ा दी है। आपका जो है ब्लड प्रेशर है, कोई पेट की बीमारी है, बुखार है, उन आवश्यक दवाओं की कीमत 1 अप्रैल से केंद्र सरकार ने 10.76 बढ़ा दी है। ये आपकी जेबों पर 20% हमला होने वाला है। हम पूरे देश में महंगाई का विरोध करते हैं, महंगाई पर अंकुश लगा जाए, पेट्रोल डीजल पर जो एक समय में केंद्र सरकार ने जब दुनिया में सस्ता हो रहा था, यहाँ कस्टम और एक्साइज ड्यूटी लगा करके महंगा कर दिया, लाखों करोड़ रुपए जो इकट्ठे कर लिए, अब जनता को राहत दी जाए। जब दुनिया में पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, तो केंद्र सरकार को कस्टम और एक्साइज ड्यूटी बढ़ानी चाहिए। हमारे देश का 37 लाख करोड़ रुपए का बजट है और हमारी कमाई है 26 लाख करोड़ रुपए, 11 लाख करोड़ रुपए जो घाटा होगा उसको लोन लेकर के, नई मुद्रा लेकर के ये लोग छापेंगे, महंगाई बढ़ाएंगे। हम ये कहना चाहते हैं, देश का कॉरपोरेट सेक्टर 6 लाख करोड़ रुपए टैक्स देता है, हम कहते हैं उसकी ताकत इतनी है, अकेला वो 20 लाख करोड़ रुपए दे सकता है, लेकिन उन पर टैक्स नहीं लगाना चाहते, ये चुनाव में पैसे लेते हैं। आप देखोगे भ्रष्टाचार का आलम भिवानी की नगर परिषद में किस तरह से कई करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया, वो चेयरमैन भी वही बैठा है और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी वही बैठा है, कहता है नीचे वालों ने कर दिया, हमारा हाथ नहीं है। अरे हम तो इस बैंक में जो सामने है 200 करोड़ का ब्रांच है, उसका 2 साल तक मैनेजर है, किसी कर्मचारी ने कोई भ्रष्टाचार किया होता बताओ, किसी ने कोई रिश्वत लिया होता बताओ, किसी ने कोई गोल्ड दिखाया हो तो बताओ। मैं ये दावे से कहता हूँ, अगर बड़े अधिकारी सजग हैं तो नीचे वालों की हिम्मत नहीं पड़ती, और हरियाणा सरकार कोई उच्च स्तरीय न्यायिक जांच करके दोषियों को पकड़ना नहीं चाहते, सरेआम जनता के पैसे पर डकैती
शक्ति डाल रखी है और पूरे हरियाणा में जगह जगह जो लोग भ्रष्टाचार के अपने अपने स्कैंडल निकल रहे हैं। तो खट्टर साहब कहते थे कि हम तो जीरो टॉलरेंस पर भ्रष्टाचार सहन करते हैं। अरे खट्टर साहब, तुम इंक्वायरी तो करा दो, जो लोग जनता के पैसे पर डाका डाल गए और बैंकों का 22,000 करोड़ रुपए लेके भाग गए। इस देश में अपरा तफरी है, इस देश में अराजकता है, जाति और धर्म पर लोगों को लड़ाया जा रहा है। दोस्तों, बहनों और भाइयों, हम लोगों को, मेहनत करने वालों को, इनको ललकारना पड़ेगा। हम लोग इकट्ठे होंगे, एकता बढ़ेंगे, मजबूत जाति और धर्म में नहीं बचेंगे, तभी उनको लुटेरों का इलाज हो सकता है। सजगता से हम लोग काम करेंगे। आप लोगों ने समय दिया, अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से आप इस हड़ताल का हम लोग पूर्ण समर्थन करते हैं और यह आह्वान करते हैं, किसान, मजदूर, महिलाएं, नौजवान, छात्र, सब लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। छोटा व्यापारी भी हमारे साथ है। आज पूरे देश की मेहनत कर जनता यह आंदोलन कर रही है। हम लोगों को इकट्ठा होकर के सुबह सुबह रोडवेज के हमारे बहादुर भाइयों ने बसों को रखा है, पुलिस मैट्री चार्ज करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनका हिम्मत हौसला देकर के उल्टी हटी है। उन साथियों के पास आएंगे, कोई भाई भाई जो रास्ते में ना रहना, दो दिन की हड़ताल है, उनका हौसला बढ़ाएंगे और उनको कहेंगे, ए बहादुर साथियों, तुमने 18 दिन हड़ताल करके जनता के लिए जो निजीकरण पर रोक लगाने की कोशिश की है, हम लोग आपके साथ हैं, लड़ो, इकट्ठे होकर लड़ो। हम निजीकरण रोकेंगे, महंगाई को रोकेंगे, बेरोजगारी को रोकेंगे, मजदूरों के जो कानून बदले हैं उन पर रोक लगाएंगे, पुराने कानून बहाल करेंगे। अभी अभी पीएम के ऊपर 3500 करोड़ रुपए की डकैती डाल दी है इन लोगों ने, 8.5 की जगह 8.1 कर दिया। ये इस तरह से मेहनत कस पर डकैती डाल रहे हैं, ये डकैती नहीं डालने देंगे, हिम्मत और हौसला करेंगे साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत नमस्कार। क्या नाम है मुद्दों को लेकर के आप मंथन करना चाहिए लोकतंत्र से आज सबको गया हुआ है। ये बहुत यानी कि इतना ज़्यादा सोचने का विषय है, क्या रीजन है, क्या कारण है कर्मचारी को जो देश को इतनी बड़ा निशान होगा बाहर है, और एक देश एक विधान, एक देश एक संविधान, कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दी भारत सरकार और राज्य सरकारों ने, MLA, MP, मंत्री, मुख्यमंत्री चार बार पेंशन लेने का काम कर दिया है। लेकिन सोचना चाहिए, 4 साल तक एक कर्मचारी देश पर देश सेवा करता है, वो एक बार 5 मिनट कमाने इस पर लेते हैं, पेंशन के कार्य रहते हैं, और एक नालगाट की बत्ती के बीच में जो कि क्वालिफिकेशन की हरियाणा पुलिस का और पुलिस में चला की थी, 100 मीटर 800 मीटर से 2009 में ग्रुप डी की भर्ती की गई थी, 8वीं से और मैट्रिक बेस पर की गई थी ग्रुप सी की भर्ती। पटवारी, अनाज पटवारी और ये जो रेवेन्यू पटवारी होते हैं, चंद्रक होते हैं, फोर्स गार्ड होते हैं, और प्लस टू क्वालिफिकेशन के होते हुए भी कनाल गार्ड की भर्ती ग्रुप डी की श्रेणी में आती है। यानी कि कम शिक्षा उच्च पोस्ट, उच्च शिक्षा कम पोस्ट, प्लस टू पास करोगे तो ग्रुप डी की भर्ती करोगे, मैट्रिक पास करोगे ग्रुप सी की भर्ती करोगे। ये हम लोगों की काफ़ी लंबे समय से मेजर लड़ाई था, वो कंटिन्यू करते आ रहे हैं, और अब ये जो ग्रुप डी के साथ ही भर्ती हुई है 18,000 की, इनकी आय एजुकेशन है, इनको भी इनकी योग्यता के अनुसार इनको 50%